दोस्तों, अगर आप एम आई 11X Pro स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मी 11X Pro, तो दोस्तों मी 11X Pro के अंदर फाइनली हाइपर OS का स्टेबल अपडेट यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप मेरा डिवाइस देख सकते हैं और OS का बिल्ड नंबर आप देख सकते हैं 1.0.1.0 और एंड्रॉयड 14 बेस्ड अपडेट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों एंड्रॉयड 14 के साथ में आपको हाइपर OS का अपडेट देखने को मिल जाता है। रेडमी K40 Pro बोल लीजिए, क्योंकि चाइना में रेडमी K40 Pro Plus भी है, ग्लोबल में MI 11 आई है और इंडिया में है हमारा मी 11X Pro। ठीक है, तो इसके अंदर फाइनली अपडेट यहाँ पर स्टेबल अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है हाइपर OS 1.0 विथ एंड्रॉयड 14 के साथ में। यहाँ पर आप देखिए, मैं सेटिंग के अंदर भी आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ। माई डिवाइस में आप पर देख लीजिए, साउमी हाइपर OS 1.0.1.0 UKK CNXM, यानी कि ये अपडेट अभी चाइना में रोल आउट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि UKK के आगे CN लिखा हुआ है, ठीक है, CN के बदले अगर IN होता है तो हमारा इंडिया होता है, और CN का मतलब चाइना में यहाँ पर अपडेट मिल चुका है। ठीक है, सभी यूजर्स को कम मिलेगा, ग्लोबल में कम मिलेगा, इंडिया में कम मिलेगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी थी, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर लिंक भी दे रखी है, इजिली आप इसको कस्टम रिकवरी के थ्रू इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, कस्टम रिकवरी के थ्रू आप इसको अपडेट कर लीजिए। यूरोम की भी लिंक मैंने दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अपडेट तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, इजीली आप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस अपडेट के अंदर सबसे पहले फीचर बताता हूँ मैं आपको, इसके अंदर VoNR का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर देखिए 5G के साइड में आपको VoNR दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले दोस्तों क्या होता था, जब भी हम किसी को भी कॉल करते थे तो हमारा 5G से 4G पर इंटरनेट हो जाता था स्विच पर, ऐसा नहीं है अब, इजीली 5G कॉलिंग आपकी एनेबल हो चुकी है मी 11X Pro डिवाइस के अंदर। ठीक है, और कंट्रोल सेंटर आपको पता ही है लेटेस्ट मिल जाता है, और लॉक स्क्रीन आपको ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है, डेप्थ इफेक्ट वर्किंग है, देखिए कितनी ज़बरदस्त आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो लॉक स्क्रीन मिल जाती है, एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं सेटिंग के अंदर जाऊँ, माई डिवाइस में जाता हूँ, एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, और OS वर्जन आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस अपडेट के बारे में कि ये अपडेट आपको ग्लोबल में कब मिलेगा। ग्लोबल के अंदर आपको जो है 15-20 दिन के अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ग्लोबल के अंदर MI 11i, इसका नाम है MI 11X Pro का, और इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर आप देखिए, ये अपडेट मिला था हमें चाइना में। ठीक है, जो कि एंड्रॉयड 14 के साथ में आता है, 5.2 GB इस अपडेट का साइज़ है। ठीक है, अपडेट आपको 15 दिन के अंदर ग्लोबल में मिल जाएगा, यानी कि 2 वीक के बाद में, और आपको ये इंडिया में अपडेट थोड़ा लेट मिलेगा, आपको मई तक मिल सकता है, लास्ट मई तक, यानी कि आपको नेक्स्ट मंथ जा सकता है, आपको मई के महीने में अपडेट देखने को मिल जाएगा, लास्ट मई में भी जा सकता है। ठीक है, अगर ये अपडेट ग्लोबल के अंदर आ जाता है 1 या 2 वीक के बाद में, तो आपको मिड मई तक अपडेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप MI 11X Pro स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए अब मैंने आपको बताई दिया गुड न्यूज़, क्योंकि फाइनली अपडेट आ चुका है, मैंने अपने फ़ोन के अंदर इसको इंस्टॉल भी कर लिया है। आप वेट कर लीजिए ऑफिशियल अपडेट का, क्योंकि इसमें आपको कोई बूटलोडर वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वेट कर लीजिए, आपको जो है 1 महीने के अंदर अंदर अपडेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आप मी 11X Pro स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।